में जो है थिएटर का इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कुछ बताएंगे और किश्तवाड़ के आम के लिए क्या मैसेज रहेगा? एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है हमारे लिए और 30 साल पहले थिएटर बंद हुआ था, आज फिर से शुरू हो गया है। जैसा कि आज ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेशन में बोला, वैसे तो बाकी जगहों के लिए थिएटर लॉन्च होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सभी अच्छे शहरों में थिएटर्स होते हैं जी, बट क्योंकि एक हिस्ट्री रही है टेररिज्म की और उसकी वजह से लोगों की एक एस्पिरेशन थी कि एंटरटेनमेंट के साधन होने चाहिए जी, तो उसके लिए एक अच्छी पहल है। और मुझे लगता है जैसे कि आज ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं पढ़ाई की भी जगह बनेगी, क्योंकि जो हमने इसका नाम रखा किश्तवाड़ इंफोटेनमेंट सेंटर, तो ये इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का मिक्स है। अभी यहाँ पे जैसे हम बच्चों के लिए एक बाल मूवी चला रहे हैं, वो बेसिकली एक क्रिकेट एंथुजियास्ट जितने भी क्रिकेट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक मोटिवेशन देने वाली मूवी है। उसके साथ साथ कई सारी ऑस्कर्स में सेलेक्टेड मूवीज़ बच्चों की जो आती हैं, जंगल बुक जैसी मूवी, स्पेस साइंस को लेके मूवीज जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाती हैं और उनको आगे करियर में जाने का एक ऑप्शन देती हैं। सर सिक्योरिटी का क्या कुछ इंतजाम आते हैं, किस तरीके से हैं? वो एसएसपी साहब ने पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं, 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे चेकिंग हो रही है और उसमें मुझे लगता है पुलिस पूरी तरह से बंदोबस्त अपना तैयार करके रखी हुई है। जो भी हमको आगे भी इसमें दुरुस्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हम लोग करेंगे। सर क्या ये थिएटर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेगा या बाकी जो हमारे यहाँ से अलग जो इलाके हैं वहाँ फैसिलिटी है, ये यहीं पर रहेगी। एक मोबाइल थिएटर अलग है, उसको हम खासतौर से क्योंकि कीरू आरआर प्लान के अंडर ये पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको हम खासतौर से नागसेनी एरिया के बच्चों को दिखाएंगे। जैसे कि पहले 2 मूवी स्क्रीनिंग के साथ शुरुआत हुई, उसके साथ साथ पार्डर छात्रों के रिमोट एरियाज में भी जहाँ भी हमको स्पेस और एसडीएम के रिक्वेस्ट मिलते हैं हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।